हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आपने केंद्रीय विद्यालय संगठन का पीजीटी मैथ्स का एग्जाम दे दिया, अब आप सॉल्यूशन के इंतजार में होंगे। तो मैं आज से ये इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं और कुछ लेक्चर्स में जल्दी इसको हम इसके सॉल्यूशन को फिनिश करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि इसमें 80 क्वेश्चन आए थे, मैथमेटिक्स से संबंधित आए थे, आपके विषय से संबंधित आए थे। तो उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हम लोग यहाँ पे अपलोड करेंगे। आप मेरा चैनल अगर पहली बार देख रहे हैं या मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के नीचे एक लिंक दिया हुआ है, उसको प्रेस करके आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और एक बेल का आइकन आएगा, उसको भी आप दबा लेंगे ताकि मेरे वीडियोज के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहे। ठीक है, आइए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आज के पेपर की मैं एक और खास बात बता दूं कि इसमें जो है कुछ क्वेश्चंस इन्होंने आईआईटी जेई से, आईआईटी जेई का जो पेपर हुआ था प्रीवियस ईयर्स के, उसमें से कुछ क्वेश्चंस इन्होंने उठा के दिया हुआ है। तो इस बार का जो पेपर था, अगर मैं बात करूं 2017 में नॉर्थ ईस्ट की वैकेंसी आई थी उसका, और जो 2013 में पेपर हुआ था उससे जो पेपर का स्टैंडर्ड था थोड़ा अच्छा हुआ था। इस बार जो है थोड़ा अच्छा था पेपर, जो है कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेटिव थे, कुछ डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड थे, है ना, और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी इन्होंने डाल के रखा था। आइए हम वन बाय वन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 मैंने लिया है, और ये बुकलेट बुकलेट कोड आप देख लीजिएगा, आई थिंक बुकलेट कोड W है ये। ठीक है, और ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर कुछ क्वेश्चन इस सीक्वेंस में छूट जाते हैं हम उसको जो है बाद में उसको अपलोड कर देंगे जो है। तो आप जो जो क्वेश्चन में सॉल्व करते जाता हूँ उसको आप मिलाते जाइए, आपके आंसर की जो बनती जाएगी जो है, और लास्ट में हम लोग सारे क्वेश्चन को जरूर फिनिश करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 71 इज दिस। इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स एंड थीटा इज एंगल बिटवीन देम, देन 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज व्हाट? फर्स्ट ऑप्शन साइन थीटा, साइन 2 थीटा, साइन थीटा बाई टू एंड साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आइए इसका हम सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन। ओके, तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मॉड ऑफ ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है, मॉड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी। कौन से फार्मूले से मैंने लिखा है इसको? मैंने यहाँ पे फार्मूला लगाया कि ए डॉट ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर। मैंने फार्मूला लगाया ए डॉट ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट लेते उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है। ये फार्मूला हमने इस्तेमाल किया था। देखिए ए उस इस वेक्टर का इसी वेक्टर के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट करें इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो अगर इसको हम ओपन करें तो मॉड ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट ए मॉड ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, बी डॉट बी कितना आ जाएगा? मॉड ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है, और यहां से आएगा माइनस ए डॉट बी, यहां से माइनस बी डॉट ए, कुल मिलाकर कितना आ जाएगा? माइनस 2 टाइम्स ए डॉट बी। ठीक है, और ए और बी देखिए यूनिट वेक्टर से यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ये कितना होगा? 2 माइनस 2 टाइम्स ए डॉट बी। ठीक है, और ए डॉट बी यहां से मैं 2 कॉमन कर लेता हूं तो ब्रैकेट में मुझे मिलेगा 1 माइनस ए डॉट बी, कितना होता है? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है, मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है ना, तो अच्छा इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, तो 1 मैग्नीट्यूड का बी इज ऑल्सो 1, तो 1 × 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे कितना मिल गया? 2 टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा का अगर मैं फार्मूला लगाऊं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, प्लस वन माइनस वन कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 2 × 2 कितना आ जाएगा? 4 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है ना, दोनों तरफ स्क्वायर रूट अगर ले लें तो मॉड ऑफ ए माइनस बी जो हमारा आएगा वो आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2। इस 2 को अगर मैं इधर ले लूँ तो 1/2 टाइम्स मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? साइन थीटा बाई 2। ये पूछा गया था 1/2 मॉड ऑफ ए माइनस बी कितना आएगा, तो ऑप्शन साइन थीटा बाई टू होगा, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शंस विल बी रॉन्ग ऑप्शंस। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 72। क्वेश्चन नंबर 72 जो जो क्वेश्चन है ये आईआईटी 2016 आईआईटी जेई मेंस का जो एग्जाम हुआ था 2016 वहां से डायरेक्ट इस क्वेश्चन को उठाया गया है। आइए इसके सॉल्यूशन को हम देखते हैं। क्वेश्चन इज दिस, द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 5 होल टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4x - 16 इज इक्वल टू 1 इज व्हाट? पूछा जा रहा है इसको सेटिस्फाई करने वाले जो भी एक्स की रियल वैल्यूज हैं उन सभी का सम कितना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो केसेस बनेंगे ना वहां 3 केसेस बनेंगे। ठीक है ना, केस वन ये बनेगा कि देखिए केस वन हमारा जो बनेगा पहला केस वो ये बनेगा कि ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाए,
यहाँ पे जो हमारा ये है, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस सिक्सटी, इसकी वैल्यू कितनी होता है जीरो, और ये कुछ ये जीरो ना हो, मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस सिक्सटी इज इक्वल टू जीरो, और एक्स और साथ में एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव इज नॉट इक्वल टू जीरो। समझिएगा ध्यान से, देखिए अगर ये जीरो बन गया तो किसी भी नंबर के पावर जीरो की वैल्यू कितनी होती है वन, बशर्ते जो बेस है वो जीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जीरो टू द पावर जीरो बन जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो बेस है वो जीरो नहीं बनना चाहिए, है ना। तो इन्होंने लिखा कि ये बेस जीरो ना बने, और कुछ जीरो का कुछ भी बने उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, जीरो नहीं बनना चाहिए, लेकिन और ये कितना बनना चाहिए, ये जीरो बन जाए। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखिए मैं इसको सॉल्व करके रखा हूं, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां से मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस टेन एंड x इज इक्वल टू सिक्स मिलेगा, ठीक है ना। तो और ये x इज इक्वल टू माइनस टेन और सिक्स जब इसमें रखेंगे तो बिल्कुल ये जीरो नहीं आएगा, है ना। मतलब ये पॉसिबल वैल्यूज हो गई, हमारे दो पॉसिबल वैल्यूज हो गई माइनस टेन कॉमा सिक्स फर्स्ट केस में, ठीक है ना। आप चाहे तो उसको पुट करके चेक कर लीजिए, जीरो नहीं आएगा। तो ये दोनों पॉसिबल वैल्यूज है। केस टू हमारा ये बनता है, केस टू इज दिस कि ये जो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव है वो कितना हो जाए हमारा, वो वन हो जाए। एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू वन, ये जो बेस है ना ये वन बन जाए, वन के पावर कुछ भी आप करिए उसकी वैल्यू कितनी आएगी, वन आएगी, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इसको सॉल्व करने से हमें मिलेगा एक्स इज इक्वल टू फोर एंड एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू फोर एंड एक्स इज इक्वल टू वन, यहां से दो वैल्यूज और मिल गई हमें, ठीक है। और जो हमारा थर्ड केस बनेगा, लास्ट केस, केस नंबर थर्ड, उसमें यह होगा कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव की वैल्यू माइनस वन हो जाए, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू माइनस वन एंड साथ में एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस सिक्सटी जो है ये क्या हो जाए, इवन हो जाए, ठीक है ना, इवन इंटीजर, इवन इंटीजर, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू इवन इंटीजर। मतलब क्या हुआ, ये माइनस वन हो जाए और माइनस वन के पावर क्या हो, इवन इंटीजर, उसकी भी वैल्यू कितनी आती है, वन आती है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू माइनस वन को, तो हमें मिलेगा एक्स इज इक्वल टू टू एंड एक्स इज इक्वल टू थ्री। इसको सॉल्व करें अगर तो हमें मिलेगा एक्स इज इक्वल टू टू एंड एक्स इज इक्वल टू थ्री। जब एक्स इज इक्वल टू टू इसमें हम पुट करेंगे, इसमें हम पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस सिक्सटी में, इसकी वैल्यू आएगी माइनस फोर्टी एट जो कि इवन है। तो ये पॉसिबल वैल्यू है हमारी, इवन बनना चाहिए, इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, और वो एक्स की वैल्यू जब इसमें रखे तो इवन बनना चाहिए, इवन बन रहा है एक्स इक्वल टू टू रखने पे, तो टू पॉसिबल वैल्यू है। लेकिन जैसे ही आप एक्स इक्वल टू थ्री इसमें रखेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस थर्टी नाइन जो कि इवन नहीं है, इसका मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल। तो पॉसिबल कौन कौन सा हो गया, टू हो गया, फोर वन माइनस टेन और सिक्स, सभी को ऐड कर दीजिए, उन्होंने कहा कि सबका सम चाहिए तो आप ऐड कर दीजिए इसको। मैं अगर ऐड करूं तो माइनस टेन प्लस सिक्स प्लस फोर प्लस वन और यहां से कितना हो गया प्लस टू, इसको आप सॉल्व करेंगे तो फोर प्लस वन फाइव प्लस टू सेवन, सेवन प्लस सिक्स थर्टीन, थर्टीन माइनस टेन इज इक्वल टू थ्री। तो आंसर कितना आएगा, थ्री आएगा। ऑप्शंस में देखें तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन विल बी रॉन्ग ऑप्शन। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन इज दिस, इन अ सर्वे ऑफ 55 स्टूडेंट्स इट इज फाउंड दैट 30 स्टूडेंट्स रीड न्यूज़पेपर ए, 20 रीड न्यूज़पेपर बी एंड 7 रीड बोथ द न्यूज़पेपर्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रीड नन ऑफ द न्यूज़पेपर्स इज व्हाट, 7 12 13 और 23। तो सेट थ्योरी का क्वेश्चन था और ये इजी कैटेगरी में हम इसको रखेंगे। इसके पहले जो हमने लोगों ने दो क्वेश्चंस किए, पहला क्वेश्चन एवरेज कैटेगरी में था, दूसरा डिफिकल्ट कैटेगरी में था, और जो थर्ड क्वेश्चन है इजी कैटेगरी में है, ठीक है। आइए इसका हम सोल्यूशन देखते हैं, वेरी इजी सोल्यूशन, हम इसको वेन डायग्राम से सॉल्व कर लेंगे। दो न्यूज़पेपर है, एक न्यूज़पेपर ए है, न्यूज़पेपर बी है, तो यहां पर बना लेते हैं दिस इज न्यूज़पेपर ए, दिस इज न्यूज़पेपर बी। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम कॉमन से स्टार्ट करते हैं, तो सेवन लोग ऐसे हैं, सेवन रीड बोथ द न्यूज़पेपर्स, सात लोग दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, यहां सेवन आ गया। और कहा गया है कि इट वाज फाउंड दैट 30 स्टूडेंट जो न्यूज़पेपर ए है वो पढ़ते हैं, तो ये देखिए 30 है, सेवन ये हो गया, बचा कितना 23, और जो बी पढ़ने वाले लोग हैं वो कितने लोग हैं, 20 लोग हैं, सेवन ये हो गए, बचे कितने 13, और टोटल कितने लोग हैं 55 हैं। तो पहले देखिए न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने लोग हैं, 13 और 7 कितना हो गया 20, 20 और 23 कितना हो गया 43, तो 43 ऐसे लोग हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो कितने लोग नहीं पढ़ते हैं, 55 माइनस 43 अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन विल बी रॉन्ग ऑप्शन। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 74।
क्वेश्चन ये है कि एक कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू आंसर 7 क्वेश्चंस आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस व्हिच आर डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस ईच कंटेनिंग 6 क्वेश्चंस ही इज नॉट अलाउड टू अटेम्प्ट मोर देन 5 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच ग्रुप इन हाउ मेनी वेज ही कैन अटेम्प्ट द पेपर ऑप्शन 780 600 792 एंड 780 परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर से लिया गया है और ये क्वेश्चंस को हम लोग जो है इजी कैटेगरी में रख सकते हैं बहुत डिफिकल्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू मी दिस इज इन इजी क्वेश्चंस है ना तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन देखिए क्या है कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू आंसर एक कैंडिडेट को 7 क्वेश्चन का जवाब देना है ठीक बात है और व्हिच आर डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस ईच कंटेनिंग 6 क्वेश्चंस देखिए दो सेक्शन है यहां से सेक्शन ए है सेक्शन बी है दोनों में 6-6 क्वेश्चंस है ठीक है ही इज नॉट अलाउड टू अटेंड मोर देन 5 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच ग्रुप ठीक है ना वो 5 क्वेश्चन से ज्यादा किसी ग्रुप से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता है ठीक है इन हाउ मेनी वेज ही कैन अटेम्प्ट द पेपर तो सपोज 5 से ज्यादा नहीं कर सकता हम यहाँ 5 से स्टार्ट करते हैं सपोज उसने 5 क्वेश्चन यहाँ से किया 2 क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व किया 4 क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व किया 3 यहाँ से किया और क्या पॉसिबिलिटी है 3 क्वेश्चन यहाँ से किया 4 यहाँ से किया ठीक है और क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ से 4 क्वेश्चन यहाँ से किया 5 4 3 यहाँ से 2 क्वेश्चन किया यहाँ से 5 क्वेश्चन किया और अगर हम यहाँ पर देखिए 1 रखते हैं अगर तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा तो 6 क्वेश्चन तो कर नहीं सकता है मैक्सिमम एक सेक्शन से कितना ट्राई कर सकता है 5 तो यही पॉसिबिलिटी है बस ठीक है ना तो आइए हम इसको देखते हैं तो 5 क्वेश्चंस उसको 6 में से अगर इसकी पॉसिबिलिटी देखें पहले को अगर हम बनाएं तो पहले का तरीका कितना होता है 6 में से 5 क्वेश्चन छांटने हैं उसको तो 6C5 और दूसरे से कितने क्वेश्चन छांटने हैं 2 तो कितना हो जाएगा इसका 6C2 प्लस यहां से फिर 4 तो 6C4 मल्टीप्लाइड बाई यहां से 3 तो 6C3 एंड प्लस यहां से 6C3 मल्टीप्लाइड बाई 6C4 6C4 एंड लास्ट कितना आ जाएगा 6C2 मल्टीप्लाइड बाई 6C5 इसको अगर मैं सॉल्व करूं 6C5 तो 6C5 कितना होता है 6C1 6C1 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई ये होगा 15 प्लस ये 6C2 6C2 हमारा आता है 15 और जो 6C3 है वो आएगा 20 प्लस 20 ये 6C2 6C4 हमारा कितना आ जाएगा 15 और अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाई ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा आप इसको सॉल्व करके देख लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 90 एंड प्लस 300 एंड प्लस 300 एंड प्लस 90 ठीक है तो ये कितना हो जाएगा कुल टोटल हो जाएगा 780 तो 780 तरीके से वो पेपर को अटेम्प्ट कर सकता है ऑप्शंस में देखें तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और जो हमारा थर्ड ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन दैट विल बी रॉन्ग ऑप्शन फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 75 क्वेश्चन इज दिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट 31C0 का स्क्वायर माइनस 31C1 का स्क्वायर प्लस 32C2 का स्क्वायर डॉट डॉट माइनस 31C31 का स्क्वायर इसी तरीके से ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें सबसे पहले मैं आपको कुछ रिजल्ट बता दूं उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो जो सबसे हमारा पहला रिजल्ट है वो है कि NC0 का स्क्वायर प्लस NC0 का स्क्वायर प्लस NC1 का स्क्वायर प्लस NC2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस NCN का स्क्वायर जो होता है ये बराबर आता है दिस इज इक्वल टू ट्वाइस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल ठीक एक तो ये रिजल्ट है दूसरा जो हमारा रिजल्ट है वो है NC0 का स्क्वायर माइनस NC1 का स्क्वायर प्लस NC2 का स्क्वायर माइनस NC3 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस माइनस 1 टू द पावर n NCN का स्क्वायर इसकी वैल्यू आती है 0 ठीक तो देखिए अगर हम ऑप्शंस को अगर सबसे पहले इसमें इलिमिनेट कर सकते हैं बड़े आसानी से देखिए पहला ऑप्शन है इसको जरा ध्यान से देखिएगा ये प्लस माइनस चलेगा और NC0 से स्टार्ट होकर NCN तक जाएगा तो देखिए 31C0 का स्क्वायर माइनस 31C1 का स्क्वायर प्लस 32C2 का स्क्वायर माइनस 31C3 का स्क्वायर तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चलेगा इसकी वैल्यू कितनी आने 0 आने वाली है तो निश्चित रूप से ये तो हमारा ग्रेटेस्ट नहीं होगा ठीक है तो ये नहीं हो सकता है अच्छा इन दोनों ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से देखिए दोनों में 32 का इस्तेमाल किया गया है और देखिए यहाँ पर 32 यहाँ पर सभी जगह प्लस है ये भी C0 से स्टार्ट होकर 32 तक गया है ये भी C0 से इसका स्टार्ट होकर 32 तक गया है लेकिन यहाँ पे एक जगह पे माइनस है तो माइनस तो निश्चित रूप से ये वाला जो नंबर है वो इस नंबर से क्या छोटा है तो ये तो ग्रेटेस्ट नहीं होगा ठीक है अब बचते हमारे पास थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर थर्ड नंबर में अगर हम ये फॉर्मूला लगाते मैंने जो लिखा है NC0 का स्क्वायर प्लस NC2 का स्क्वायर तो जो हमारे थर्ड नंबर का आंसर आएगा वो आएगा ट्वाइस एन फैक्टोरियल एन हमारा कितना है 32 तो 32 का कितना हो जाएगा 64 अपॉन
32 फैक्टोरियल इंटू 32 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो ये तो हमारा थर्ड वाले का कैलकुलेशन आएगा। और अगर हम फोर्थ की वाले की बात करें, फोर्थ वाले का, तो फोर्थ वाले में देखिए क्या है कि सभी जगह देखिए ये प्लस 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 है, बस एक जगह पे इन्होंने माइनस कर दिया है। तो हम इसको करेंगे क्या, हम इसको इसमें हम जो है टू टाइम्स, मतलब एक बार इसको ऐड कर देंगे थर्टी, मैं इसको एक बार हम इसमें ऐड कर देते हैं 34C1 और एक बार सबट्रैक्ट कर देते हैं 34C1, ठीक है ना। इससे क्या होगा, इस प्लस वाला जो है ना ये कंटिन्यूस सीरीज बन जाएगी, 34C0 का स्क्वायर प्लस 34C1 का स्क्वायर प्लस 34C2 का स्क्वायर अप टू 34C34 का स्क्वायर। और ये जो दो माइनस है इनको हम एक साथ कंबाइन कर लेंगे। तो देखिए फोर्थ वाले को अगर हम लिखना चाहें तो कितना लिख पाएंगे, 34 है तो 34 2 कितना हो गया 68 फैक्टोरियल अपॉन 34 फैक्टोरियल, 34 फैक्टोरियल, ठीक है ना, माइनस टू टाइम्स क्या लिखना पड़ेगा 34 व्हाट C1 का स्क्वायर माइनस टू टाइम्स 34C1 कितना आएगा 34 का स्क्वायर, मतलब 34 इंटू 34, ठीक है। तो अगर इसको मुझे कैलकुलेट करना है तो देखिए सबसे पहले हम फोर्थ को थोड़ा साल्व कर लेते हैं। फोर्थ को अगर मैं साल्व करूं तो इसमें से मैं 68 बाहर निकालता हूं, 68, 67, 66, 65 निकाल दिया। तो और नीचे से मैंने क्या किया, यहां से 34 और 33, इसमें से भी 34 इंटू 33 मैंने बाहर किया। अब ऊपर हमारे पास क्या बचता है 64 फैक्टोरियल और नीचे हमारे पास क्या बचेगा 32 फैक्टोरियल इंटू 32 फैक्टोरियल, ठीक है, और माइनस टू टाइम्स 34 इंटू 34, जिसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 2 इंटू 34 इंटू 34, इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए यहाँ से 34 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा और 33 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा। इसको हम बचा कर रखना चाहते हैं, देखिए इसको इसलिए बचा कर रखना चाहते हैं क्योंकि ये थर्ड वाले में भी इंक्लूड है। तो ये जो कैलकुलेशन है अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये हमारा आता है दिस इज इक्वल टू 17420 डिवाइडेड बाई 1122 और मल्टीप्लाइड बाई ये आता है। और इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो आएगा 15.52, मतलब फाइनली जो हमारा फोर्थ वाले का आंसर आएगा वो आएगा 15.52 मल्टीप्लाइड बाई 64 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 32 का फैक्टोरियल इंटू 32 का फैक्टोरियल और माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 2312। तो देखिए आप 15 टाइम्स है ये जो फोर्थ है ना, ये 64 फैक्टोरियल 32 फैक्टोरियल 32 फैक्टोरियल 15 टाइम्स है और उसमें छोटा सा नंबर माइनस करना है। तो निश्चित रूप से ये फोर्थ वाला नंबर थर्ड वाले नंबर से बड़ा है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन विल बी रॉन्ग ऑप्शन। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन इज दिस, द एरिया बाउंडेड बाई द पैराबोला वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द लाइन वाई इज इक्वल टू 2x इज व्हाट, ऑप्शन है 2/3, 4/3, 8/3 एंड 4। तो एरिया बाउंडेड बाय कर्व से संबंधित क्वेश्चन है, आइए सबसे पहले इसका हम फिगर बनाते हैं। देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला। इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो अपवर्ड पैराबोला ओरिजिन से जाने वाला पैराबोला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दूसरा है लाइन y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x, ये ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है। तो ये हमारा हो गया y इज इक्वल टू 2x, इससे बाउंडेड देखिए एरिया ये है हमारा, इसको हमको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए हम इसके इंटरसेक्शन पॉइंट को खोजेंगे कि ये वाला पॉइंट कितना है, और ये पॉइंट आपको पता है x इज इक्वल टू कितना है, 0 है। इन दोनों कर्व को हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करें तो देखिए y को इक्वेट कर देते हैं, क्या मिलेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, मींस x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0, x x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू मिल गई 0 और x इज इक्वल टू 2, ये 0 पॉइंट है और ये कितना है 2 है, ठीक है। अब देखिए रिक्वायर्ड एरिया आपको लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, 0 से लेकर 2 तक एरिया बाउंडेड बाई लाइन माइनस एरिया बाउंडेड बाई पैराबोला, ठीक है। तो एरिया बाउंडेड बाई लाइन मतलब y dx, y लाइन का कितना है 2x माइनस पैराबोला का y कितना है x स्क्वायर और इंटू कितना dx, इसको इंटीग्रेट करें अगर तो ये आ जाएगा 2, तो कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, ये आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2 और लिमिट हमारा कितनी हो गई 0 से 2 माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 और जो हमारा लिमिट है वो कितना है 0 से 2। तो अगर पुट करें तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस, इसको पुट करें तो 8/3, 4 माइनस 8/3 सॉल्व करें 12 माइनस 8 कितना हो गया 4/3 स्क्वायर यूनिट। ऑप्शंस में देखें सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शंस विल बी रॉन्ग ऑप्शंस, ठीक है। आई नो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा है 77, वो क्या है देखिए क्वेश्चन नंबर 77। तो ये वाला जो क्वेश्चन था हमारा
इसको हम इजी कैटेगरी में रखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। इफ एक्स इज इक्वल टू 3 + 5i / 2, इफ एक्स इज इक्वल टू 3 + 5i / 2, तो आपको वैल्यू बतानी है 2x³ - 6x² + 17x + 12 की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए कभी कभी स्टूडेंट ऐसा भी सोचते हैं कि क्यों ना हम x की वैल्यू रखें, फिर x क्यूब करें, फिर x स्क्वायर करें, x करें, ऐड करें, तो ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, या तो कर पाएंगे तो काफी टाइम टेकिंग होगा। इसका बहुत छोटा सा शॉर्टकट होता है। देखिए सबसे पहले हम करते क्या है, यहाँ पे हम 2x को इधर ले लिया था 2x, और 3 को इधर बुला लिया, तो 2x - 3 = कितना हो गया 5i। दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दो इसका, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 4x² + 9 - 12x = 25, और i² की वैल्यू कितनी होगी -1। इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो 4x² - 12x + 9 + 25 + 34 = 0, 2 से डिवाइड कर दें तो 2x² - 6x + 17 = कितना होगा 0। अब मुझे देखिए इसकी वैल्यू निकालनी है, इस एक्सप्रेशन को मैं लिखूंगा, इसमें मैं क्या करता हूँ, देखिए x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2x² - 6x + 17, देखिए कितना हुआ, ये होगा 2x³, ठीक बात है, -6x² ठीक है, +17x ठीक है, और इसको लाने के लिए मुझे इसमें कितना और ऐड कर देना है, +12 ऐड कर देना है, दिस टू आर इक्विवेलेंट, ठीक है ना। आप फिर से चेक कर लो, ये दोनों इक्विवेलेंट हो गए, और इसकी वैल्यू कितनी है 0 है, तो x * कितना हो गया 0 + 12, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन विल बी रॉन्ग ऑप्शंस। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 79। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल हैविंग बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आर 4 and 2 रेस्पेक्टिवली, देन px = 1 इज व्हाट, 1/32, 1/16, 1/8 एंड 1/4, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर से लिया गया है और मीन एंड वेरिएंस पर डिपेंड करता है, आपको सिर्फ फॉर्मूले याद अगर इसके हों तो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, और इस क्वेश्चन को मैं इजी कैटेगरी में रखता हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है NP, हम लोग कहते हैं मीन का फॉर्मूला होता है NP, और दूसरा वेरियंस का फॉर्मूला होता है वेरियंस इज इक्वल टू NPQ, ठीक है ना। तो देखिए क्या क्वेश्चन में गिवन है, हमारा जो मीन है वो 4 है और वेरिएंस 2 है, इसका मतलब NP = 4 and NPQ = 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सेकंड में फर्स्ट से अगर हम डिवाइड कर दें NPQ / NP, तो यहां से कितना हो जाएगा हमारे पास 2/4 - 1/2, यहां से NP गायब हो गया, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो व्हाट इज Q, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर, पी इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और आपको मालूम है P + Q = कितना होता है 1 होता है, P + Q = 1, तो Q अगर 1/2 है तो निश्चित रूप से P हमारा कितना हो गया 1/2 हो गया, और अगर P की वैल्यू या फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें तो N × 1/2 = 4, तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया कि px = 1 क्या होगा, तो px = 1 का फॉर्मूला क्या होगा, NC1 P^1 Q^2 Q^n-1, एन हमारा कितना है 8 है, आपको फॉर्मूला मालूम होगा, पी आर सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, NCR P^R Q^n-R, ठीक है। तो अगर मैं n की वैल्यू पुट कर दूं तो कितना हो जाएगा 8C1, n = 8 है 8C1, और p कितना है 1/2, तो 1/2 to the power 1 एंड 1/2 to the power 8 - 1 कितना होगा 7, 8C1 कितना होता है 8 × 1/2 to the power कितना हो गया 8, और ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 8/256, 2 to the power 8 = 256, 4 से डिवाइड करें तो 2, या 8 से ही हम डिवाइड कर देते हैं 1, और ये कितना हो जाएगा 3 बचा 1 2, तो कितना हो जाएगा 1/32। ऑप्शंस में अगर देखें तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, और जो हमारा सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन विल बी रॉन्ग ऑप्शंस। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 81। द वैल्यू ऑफ x सैटिस्फाइंग 2 raised to sin² x - 2 raised to cos² x = 1 r। तो देखिए इस क्वेश्चन को सबसे बढ़िया तरीका है कि इसको ऑप्शन से चेक कर लिया जाए, ठीक है। आइए मैं ऑप्शन से चेक कर लेता हूं इसको, जो है सबसे पहले यहां पे वैल्यू दिया k पाई, और जहां पर k क्या है, इंटीजर है, ठीक है। इसका मतलब इसके सॉल्यूशन किस टाइप के हैं, π, 2π, 3π, 4π, ठीक है ना, और इधर -π है ना, ये सारी चीजें 0 - π, ये सब इसके सॉल्यूशन से बता रहे हैं। आइए हम चेक करते हैं, इसमें अगर हम लोग मान लीजिए k = 0 पुट कर दें, sin 0 कितना हुआ 0, ठीक है ना, तो
कितना होगा, 2 टू द पावर 0 कितना हो गया 1 माइनस, और यहां पे cos 0 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, टू टू तो कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 1, और 1 माइनस 2 कितना होता है माइनस 1, जो कि 1 नहीं आता है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर हम अगले ऑप्शंस की बात करें, ट्वाइस के प्लस 1 पाई मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई का मतलब अगर जैसे इसमें 1 रखें, मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया, अरे सेकंड की मीनिंग में समझाता हूं सबसे पहले आपको। तो सेकंड का मतलब ये है कि ऑड मल्टीपल ऑफ मतलब k इज इक्वल टू 1 मैं अगर रखूं तो कितना हो जाएगा ये, या k इज इक्वल टू 0 रखूं सबसे पहले कितना हो जाएगा पाई, k इज इक्वल टू 1 रखूं तो 3 पाई 5 पाई ऐसे हैं, इधर माइनस 1 रखें तो माइनस 2 प्लस 1 माइनस पाई है ना, माइनस पाई माइनस 3 पाई, ये पूछ रहे हैं इसका सोल्यूशन है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए मैं पाई के लिए चेक कर लेता हूं, साइन पाई कितना होता है 0, 2 टू द पावर 0 माइनस, कॉस पाई कितना हुआ माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1, तो 2 टू द पावर 0 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1, 1 तो नहीं आया, इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दिस इज नॉट द सोल्यूशन। आगे अगर हम बात करें तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है ये है ट्वाइस के प्लस 1 पाई, अगर इसको थोड़ा अच्छे से देखें तो ये ट्वाइस सॉल्व करते हैं, ट्वाइस के प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ट्वाइस के प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 मतलब इसका सोल्यूशन ही बता रहे हैं पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 है ना, और माइनस 3 पाई बाई 2, ये सारी चीजें आप बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अगर मैं पाई बाय 2 के लिए चेक कर लूं, अगर इसको पाई बाय 2 के लिए इसको चेक कर लूं तो 2 टू द पावर साइन 90 कितना होता है 1 माइनस 2 टू द पावर कॉस 90 कितना हुआ 0, तो कितना हो गया 2 माइनस 2 टू द पावर 0 1, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, सेटिस्फाई कर रहा है पाई बाय 2 के लिए, सेटिस्फाई कर रहा है, चलो ठीक है। और 3 पाई बाय 2 के लिए, 3 पाई बाय 2 के लिए भी सेटिस्फाई कर जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन 3 पाई बाय 2 कितना हुआ, साइन 3 पाई बाय 2 कितना हुआ माइनस 1, ठीक है ना, तो 2 टू द पावर माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, माइनस cos 3 पाई बाय 2 कितना हुआ 0, तो कितना हो गया दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो ये सारे तो सॉल्यूशन तो इसके हैं, लेकिन मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, अगर क्या पाई का सॉल्यूशन है कि नहीं है, पाई इसमें रखिए, इसमें हम लोग अगर पाई रखें तो कितना आ जाएगा ये sin पाई इज इक्वल टू 0, या इसमें आप 0 रखिए है ना, इसमें 0 रख के चेक करिए तो कितना आ जाएगा ये 2 टू द पावर साइन 0 कितना हुआ 0, और या इससे पहले हम फोर्थ ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं, इसमें तो ये कह रहा है कि तो इस तरीके से देखो ये हमारा जो ना तो फ्रेंड थोड़ी लाइट कट गई थी अभी, तो इस तरीके से हमारा जो ये थर्ड ऑप्शन है ना ये सेटिस्फाई कर रहा है, करेक्ट हो जाएगा। जो फोर्थ ऑप्शन है अगर हम इसमें पुट करें k इज इक्वल टू 0 पुट करें तो कितना आ जाएगा, यहाँ से k इज इक्वल टू 0 पुट करें तो कितना आ जाएगा पाई बाई 2, k इज इक्वल टू 1 पुट करें अगर तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 बाई 2, ये कितना आ जाएगा k इज इक्वल टू 1 पे 4 प्लस 1 5 पाई बाई 2, ठीक है ना, k इज इक्वल टू 2 पुट करें और k इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करें है ना, तो इसमें हम लोग अगर k इज इक्वल टू 2 पुट करें तो ये हो गया, k इज इक्वल टू 3 पुट करें तो कितना हो जाएगा 3 टू 6 12 प्लस 1 13 पाई बाई 2, ठीक है, माइनस 1 अगर पुट करें इसमें हम इसमें अगर माइनस पाई बाई 2 पुट करें माइनस 1 पुट करें तो कितना हो जाएगा माइनस 1 प्लस 1 बाई 2 माइनस पाई बाई 2, ठीक है ना, माइनस पाई बाई 2, ठीक है। तो ये जो हमारा ऑप्शन है ना इसमें कुछ ऐसी वैल्यूज है ना जो यहाँ पर रह जाएंगी, जो इस ये देखिए हमारा जो है ना इसमें जो ज्यादा एंगल हमको मिल रहे हैं ना ट्वाइस के प्लस वन पाई बाई टू, ये कितना 4 के प्लस वन पाई बाई टू, ठीक है, तो इसमें जो है जो कुछ एंगल्स ऐसे हैं ना जो रह जाएंगे सोल्यूशन में वो नहीं आ पाएंगे, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं ये समाप्त कर रहा हूँ, आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, थैंक यू वेरी मच।